है गाइज अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का जो ब्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है मेरे घर के पास से ही। अभी हम लोग ना निकलने वाले सूर्य मंदिर के लिए, तो चलते हैं और वहाँ का ना कंप्लीट व्यू देखते हैं। बहुत प्यारा सा मंदिर है जो कि बुंडू के आसपास ही ना सिचुएटेड है, तो चलते हैं और कंप्लीट व्यू ना वहाँ का देखते हैं। तो गाइस सामने देखो कितना प्यारा सा व्यू है। गाइस अपन सोचे भी नहीं थे कि अपने को इतना प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा, बट गाइस देखो रोड का व्यू भी इतना प्यारा और सामने इतना प्यारा सा पहाड़ दिखाई दे रहा अपने को। हम लोग ना पहुंच चुके हैं यहाँ पे सूर्य मंदिर, आप देख सकते हो ना मेरे पीछे एकदम मेरे फ्रंट में एकदम सूर्य मंदिर है। और मैं ना गाड़ी यहाँ पे पार्क किया क्योंकि यहाँ पे छाया है पेड़ के नीचे जस्ट। तो गाइज अभी चलते हैं ऊपर और कंप्लीट व्यू देखते हैं, बहुत प्यारा सा मंदिर है। तो चलते हैं और देख, दिल के पास आते ही आपको ना सबसे पहले एकदम देखो सात घोड़ा दिखाई दे रहा और प्यारा सा एकदम बड़ा सा रथ दिखाई देगा आपको। आपको यहाँ से सीढ़ी चढ़ के अंदर जाना पड़ेगा। अभी अपन भी ना यहाँ पे शूज उतारते हैं और चलते अंदर। तो गाइस मैं ना एकदम ऊपर आ चुका हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात कंप्लीट आपको दिखाई देगा घोर्स, जो कि इंडिकेट करता है सेवन रेनबोज को। और इसके पीछे ही ना एकदम व्हील व्हील लगा हुआ और देखो ये कंप्लीट मंदिर है जो कि एकदम रथ के शेप में डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ना कुछ सीन है ना कि 12 बजे भगवान का ना भोग उग लगता है ऐसा कुछ, तो 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सबसे पहले चलते अंदर का व्यू देखते क्योंकि ऑलमोस्ट ना अभी 12 बजने वाला है। सबसे पहले चलते और वेदर देख रहे अंदर कितना सही दिख रहा है। मंदिर के अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं और मंदिर के ना चारों साइड केवल मार्बल ही मार्बल दिखाई दे रहा है। जितने भी वॉल है ना मंदिर के वो सारे मार्बल से कवर है। आप देख सकते हो ना भगवान जी का जहाँ स्थापना हुआ ना वो भी वॉल जो है ना अंदर में वो भी मार्बल से कवर। मार्बल के चलते ना मंदिर की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर कुछ कुछ पेंटिंग भी है। देखो कितना सही व्यू मिल रहा है अपने को ऊपर में, एकदम सन का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, पूरा बादल बादल है, गुम्मट टाइप का ये पूरा कंप्लीट डिज़ाइन है और फ्रंट में मंदिर है। और इधर भी एक छोटा सा गुम्बद टाइप का है जो जिसमें डिज़ाइन बना हुआ है पूरा कंप्लीट। भाई क्या सही है। पूरा ना मार्बल कटिंग करके और ये पूरा कंप्लीट डिजाइन बनाया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें हैं, ये आपको पढ़ के कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। मंदिर से निकले हो ना तो देखो कितना प्यारा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप मंदिर के उस साइड देख सकते हो ना, अभी अच्छा से दिख नहीं रहा बट ना चारों तरफ एकदम पहाड़ से घिरा हुआ है। जो मंदिर का जो डिजाइन किया गया ना वो एकदम रथ टाइप से डिजाइन किया गया जिसमें कि आपको आशा चक्र जो है ना आशा चक्र वो 18 देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पीछे आगे एकदम हॉर्सेज है जो कि 7 हॉर्सेज है और ये गेट करता है रेनबो को जो कि 7 कलर का होता है। वैसे ही सेम ना 7 हॉर्सेज है यहाँ पे फ्रंट पे और आपको ना इसके अगल बगल ना टोटल 18 व्हील्स आपको देखने को मिलेगा पूरा मंदिर में। और इसका डिज़ाइन देखो गाइस, देखो कितना परफेक्ट एकदम बनाया गया,
पूरा डिजाइन डिजाइन जो है ना वो बहुत बारीकी से बनाया गया, बहुत ज्यादा अच्छा है। और गाइज वेदर आज का बहुत थोड़ा सही नहीं है ना, जिसके चलते अपन पता नहीं फेस वेस कैसा आ रहा है, क्योंकि ना अपने को स्क्रीन अच्छा से दिख ही नहीं रहा अभी। गाइज ये वाला भी मंदिर है, बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, जो कि रांची से ना ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास इसका ना कंप्लीट डिस्टेंस है। और ये ना थोड़ा जंगल उंगल एरियाज में है, जो कि और ये वाला जो मंदिर है ना वो चारों तरफ से ना एकदम जंगल से घिरा हुआ है, और बीच में मंदिर है। तो आप आओगे ना तो आप यहाँ पे ग्रीनरी भी देखोगे, प्लस में ना मंदिर का भी ना कंप्लीट व्यू आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना एकदम साइलेंस है, यहाँ पे क्राउड राउड कुछ भी नहीं होता भाई, एकदम कंप्लीट साइलेंस प्लेस है। और गाइज ये जो मंदिर है ना ये 19th century में बना था, अक्टूबर के महीने में, और तभी से यहाँ पे ना पूजा वूजा सब कुछ होता है। आज अभी 12 बज चुका है, जिसके चलते मंदिर बंद हो गया, तो हम लोग आए थे दर्शन वर्शन कुछ कर लिए। तो गाइज अगर आप लोग को भी घूमने आना है ना तो आप आना जनवरी में 25, 26, 27 को, क्योंकि उस टाइम ना यहाँ पे मेला वेला भी सब कुछ लगता है। तो आपको उस टाइम आओगे ना तो आप अच्छे से दर्शन भी करोगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। ये था कंप्लीट व्यू सूर्य मंदिर का। अब गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा, और अभी हम लोग को ना ट्रैवलिंग भी करना है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, और एक दो काम भी है ना, तो सारा खत्म करते हैं न्यू प्लेस में न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद आया तो चल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर।